हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल बनवाल किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और हम इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें। वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बीटरूट काट लिया है। इसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे कितना बारीक काटा है। 3/4 कप मैंने गाजर लिया है। 1 कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, इसे भी बारीक काट लिया है। 1/4 कप मैंने बारीक कटा हुआ बीन्स लिया है। 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं मैंने और कुछ मटर लिया है मैंने। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिया है। कटी हुई धनिया पत्ती ली है मैंने। 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। गरम मसाला लिया है मैंने। मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, नमक और रिफाइंड लिया है मैंने, और 1 इंच कटा हुआ अदरक लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून रिफाइंड डालेंगे। इसके बाद कटी हुई मिर्च डालेंगे और फिर हम अदरक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें कटी हुई बीटरूट डाल रही हूँ। अब देख सकते हो मैंने यहाँ बीटरूट को कितना बारीक काटा है। अब मैं इसमें कटी हुई गाजर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ सब सब्जियों को बारीक काटा है, इससे वेज कटलेट की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब हम इसमें 1-1 करके मसाला ऐड करेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। आप देख सकते हैं बीट की वजह से सारी सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत आया है। आप बीट बिल्कुल भी स्किप मत करना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं बॉईल किए हुए आलू को मैश करके डाल रही हूँ। इसे सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स करूँगी। आलू से कटलेट में बहुत अच्छा बाइंडिंग आता है और आपका वेज कटलेट फ्राई करने के टाइम टूटेगा नहीं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। सारी बेसेस यहाँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने यहाँ कुछ काजू लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको एक बॉल बनाकर दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से इसे हाथ में लूँगी और अपने फिंगर से प्रेस करूँगी। मैं बीच में एक काजू डाल रही हूँ।
इसे अच्छे से दोनों हाथों से प्रेस कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं उंगलियों से इसे कैसे प्रेस कर रही हूँ। इसे अच्छे से आप उंगलियों से दबाना, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। एक बॉल मैंने यहाँ तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। मैं आपको एक कटलेट उठाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने इसे ओवल शेप में दिया है। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स बनाया है। आप इसकी जगह सूजी भी ले सकते हो या पोस्तूदाना भी ले सकते हो या आप चाहो तो कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हो। उसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर लेना। और मैंने यहाँ मैदे का घोल बनाया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब मैं एक बॉल उठा रही हूँ, इसे मैदे में डिप करूँगी मैं। मैदे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। यहाँ मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ उसके ऊपर। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा आपका वेज कटलेट और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लपेटना। मैंने इसे रेडी कर लिया है, अब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं एक और बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आप भी सेम ऐसे ही फॉलो करना। मैंने यहाँ रिफाइन गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा है। मैं अब वेज कटलेट को फ्राई करूँगी। हम एक एक करके वेज कटलेट डालेंगे। मैंने यहाँ सारे वेज कटलेट डाल दिए हैं तेल में। आप यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखना। आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ फ्राई कर लिया है। यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत क्रिस्पी दिख रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने यहाँ इसे केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।